मौजूदा समय में दुनिया की मजबूत टीमों की अगर बात होगी तो उसमें भारत का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। ये साल टीम इंडिया के लिए काफी खास रहा। भारत ने इस साल एक भी बायलैटरल सीरीज नहीं गवाई। खैर ये साल कैसा भी रहा हो पर अब खत्म होने जा रहा है और साल 2018 की शुरुआत होने जा रही है। टीम इंडिया को 5 जनवरी से साउथ अफ्रीका से उन्हीं के घर में भिड़ना है। इस सीरीज की अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि आए दिन कोई ना कोई बड़ा खिलाड़ी, फिर चाहे वो साउथ अफ्रीका का हो या भारत का, बयान दे ही देता है। ग्रेम स्मिथ, डेल स्टेन, हरभजन के बाद अब इस सीरीज के मद्देनजर भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने अपने दिल की बात रखी है। प्रसाद की माने तो उनके मुताबिक भारत को अगर इस सीरीज में कमाल करना है तो भारत की ओर से यह जिम्मेदारी ईशांत शर्मा को अपने कंधों पर लेनी होगी। प्रसाद के मुताबिक ईशांत ने अभी तक अपनी पूरी प्रतिभा की वानगी पेश नहीं की है। प्रसाद ने कहा, ईशांत एक दशक से खेल रहा है और अब उसे आक्रमण की अगुवाई करनी चाहिए। पता नहीं क्या मसला है, उसके पास कद, रफ्तार और आक्रामकता है लेकिन वह अपनी प्रतिभा पूरी तरह से नहीं दिखा सका है। उसे वो भूमिका निभानी चाहिए जो जवगल श्रीनाथ, जहीर खान या कपिल देव ने अपने दौर में निभाई थी। साउथ अफ्रीका के पास डेल स्टेन, मॉर्ने मॉर्कल, वेरॉन फिलेंडर और कसागो रबाडा जैसे गेंदबाज है। प्रसाद का मानना है चोट के बाद वापसी कर रहे स्टेन और मॉर्कल भारत के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं होंगे लेकिन रबाडा से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि स्टेन या मॉर्कल से बड़ा खतरा है। भारत को रबाडा से बचकर रहना होगा, वो युवा है और उसके पास रफ्तार है जिससे बल्लेबाज को असमान उछाल का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि अभी हाल ही में हरभजन सिंह ने भी डेल स्टेन को खतरा मानने से इनकार किया था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।